चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। वोट तो सभी पे जाओगी, अखिलेश पे भी जाओगी, साइकिल पे भी जाओगी, भाजपा भी जाओगी, बराबर का ही चुनाव लग रहा है। तो इस बार यो लग रहा है, लेकिन लहर तो बीजेपी की, लेकिन यो देखना चाहिए जो कैंडिडेट है उसे जिताओ, जो अच्छा काम करता हो। चलो बीजेपी जीत तो या कोई भी जीत तो हमें क्या मतलब है, हमें चाहिए हमारी सफाई। शीशे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में यहाँ खड़े हुए हैं। मैं बता दूं कि आपको उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और 4 मई में नगर निकाय के वोट पड़ने हैं मुजफ्फरनगर में, और कई सारे उम्मीदवार यहाँ नगर निकाय चुनाव को लेकर मैदान में हैं। हम मुजफ्फरनगर में अलग अलग चौक चौराहे पर हम जाकर पता कर रहे हैं कि इस बार चेयरमैन पद के लिए कौन सा ऐसा चेहरा होगा, पब्लिक किस चेहरे को इस बार चेयरमैन के पद पर देख रही है, यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। लोगों की अलग अलग राय है। अभी हम मुजफ्फरनगर में सहारनपुर बस अड्डे पर है, मुजफ्फरनगर का सहारनपुर बस अड्डा है, और यहाँ से हम लोगों से बातचीत करेंगे कि इस बार निकाय चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय, निकाय चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय बन रही है। क्या नाम आपका? सचिन कुमार। सचिन भाई, क्या लग रहा है, क्या देख रहे हैं इस बार चेयरमैन पद के? चेयरमैन पद पर हमारे गौरव स्वरूप जी हैं, भाजपा से, भाजपा की पक्की जीत है, भाजपा की लहर है हमारे मुजफ्फरनगर शहर में। किस तरह का चुनाव रहता है मुजफ्फरनगर में? बहुत चर्चित रहता है मुजफ्फरनगर। जी चर्चित हमारे यूपी में जो है मुजफ्फरनगर फिर चर्चित शहर है, और बीजेपी से ही हम लोग जुड़े हुए हैं। और जय मोदी, जय योगी। क्या नाम? मैं राज त्यागी। त्यागी साहब, क्या लग रहा है इस बार चुनाव? भाई इस बार यो लग रहा है, लेकिन लहर तो बीजेपी की, लेकिन यो देखना चाहिए जो कैंडिडेट है उसे जिताओ, जो अच्छा काम करता हो। बीजेपी जाएगी? नहीं, और भी उम्मीदवार है। हाँ और भी है, उनमें देखो कुछ खूबी है। फाइट किन में रह सकती है? दो में रहेगी। फाइट रहेगी राकेश शर्मा में और इसमें। राकेश शर्मा और दूसरे कौन बताए? दूसरा दूसरी भाई बसपा भी हो, कांग्रेस भी हो, लेकिन इनका कोई जनाधार नहीं है। खत्म सा हो रहा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जब जाकर जनाधार होगा। इस टाइम जो बीजेपी की लहर और जीतनी चाहिए, बहुत मेहनत करनी। आपकी तरफ से चलिए अभी तो चुनाव है, किस तरह की सुविधा आप अपने शहर में चाहते हैं, आगे चेयरमैन कोई भी आए, एक आम आदमी के लिए किस तरह की सुविधा आप? हम तो सुविधा चाहते हैं भाई, सड़कें ठीक ठाक हो, नाली खडूंचे ठीक ठाक हो, पानी वानी ना भरो, गुंडागर्दी ना हो, माहौल ठीक रहो, बस यही और क्या। मुजफ्फरनगर को कहीं ना कहीं मोहब्बत नगर के नाम से भी जाना जाता था, कहीं ना कहीं 2013 में एक दंगा हुआ, क्या अभी भी ऐसी खाइयां लोगों के मन में है? वो जो 2013 का दंगा हुआ था कवाल कांड, वो खाई भर चुकी, अब लोगों में भाईचारा। और देखो सुनो, कहीं ना कहीं जब लड़ाई होती है तो दो पक्ष जब लड़ते हैं तो कुछ ना कुछ होता है, लेकिन फिर उनके घाव भर भी जाते हैं, क्योंकि जब पता लग जाता है भाई गलती किसकी थी किसकी नहीं थी, अब तो भाईचारा है, हर आदमी प्यार से रहता है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। के बारे में बात करनी? चुनाव के बारे में, नगर पालिका चुनाव है आपके यहाँ शहर में? नगर पालिका चुनाव तो हो जाएंगे, ये ना लगी सफाई तो करवाओ। देखो आके चलो मैं दिखाऊँ तुम्हें किस तरह की समस्या मैं दिखा रहा। सफाई वो मैं समझ गया शहर में भाई, सफाई करवाओ पहले। तो किस तरह की दिक्कतें हैं शहर में? ये अरे दिक्कतें हैं सारी, नाले अटे बड़े, बारिश हो रही थी आज दुनिया भर की, सफाई करवाओ पहले। क्या नाम आपका? क्या नाम? मेरा नाम जी मोहम्मद आरिफ। आरिफ भाई जी बताओ। आरिफ भाई एक चीज बताइए जी, बताओ शहर के आप कह रहे हैं कि सफाई नहीं है? नहीं जी, देखो सफाई नहीं करते, पहले जो चेयरमैन रहे उन्होंने काम नहीं किया। नहीं देखो नहीं करते, काम करके चले जा, अद्धा काम छोड़ के चले जा, अद्धा नहीं करते ये, आप देख लो। तो कई उम्मीदवार हैं मुजफ्फरनगर में जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप किसका चेहरा देख रहे हैं अच्छा काम कर पाएगा? अच्छा काम तो जब मतदान करेगा इनके साथ देंगे, हम इनका साथ देंगे, हमारा नेता हो है नहीं कोई, तो हम इनका साथ देंगे, हमारा काम करा कर दो, सफाई भी बेहतरीन। अब देखो रोड पर पानी कितनी पसंद नहीं हो रही ना गाड़ी वालों को, बताओ। क्या नाम आपका? खलील। अनिल भाई, क्या चेयरमैन की चुनाव है मुजफ्फरनगर? चेयरमैन का चुनाव है, साइकिल को वोट देंगे, साइकिल को वोट देंगे। और भी उम्मीदवार है? बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, बीजेपी जीतेगी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि? बिल्कुल ऐसा लग रहा है क्योंकि बिल्कुल वे सटीक चल रहे, उन्होंने कोई परेशान नहीं करा, सबको दिख रहा वो बीजेपी ही जीतेगी। हाँ सही है, बस बेहतर ये है कि हम बीजेपी को जिताएंगे। ठीक है, जिताएंगे ना, जब हम सतेंगे तो ऐसी बात नहीं, भी रहम नहीं रहेगा दिल में, जब भी रहम आएंगे, हमने सबर कर रहे हैं, हम सबर करते रहेंगे। क्या नाम भाई आपका?
साजिद। साजिद भाई, चुनाव है आपके यहाँ शहर में, नगर पालिका चुनाव है, कैसे देख रहे हैं, किस तरह की स्थिति रहेगी चुनाव की मुजफ्फरनगर में? स्थिति तो बराबर की लग रही है। बराबर तो क्या अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग क्षेत्र है मुजफ्फरनगर में? बड़ा जिला है तो वोट तो सभी पे जा, अखिलेश पे भी जाओगी, साइकिल पे भी जाओगी, भाजपा भी जाओगी, बराबर का ही चुनाव लग रहा है। तो क्या नाम भाई आपका? शौकीन भाई। क्या लग रहा है, क्या भाई ओएसी पे पतंग पे देंगे अपने को वोट देंगे अब क्या? और भी हाँ, सारों के सारों की हूँ देख ली भाई, कोई कुछ कोई किसी के काम नहीं आता। पतंग पे जागी वोट ओएसी पे खुल के जागी दबा के, कोई रोक टोक नहीं है। क्या लग रहा है इस बार, किस चेहरे को आप देख रहे हैं चेयरमैनी पद के लिए? चेयरमैनी पद के लिए अभी टक्कर तो यहाँ शायद टक्कर तो यहाँ दो में, एक बीजेपी में, दूसरी राकेश शर्मा में। और राकेश शर्मा ये किस पार्टी से? राकेश शर्मा समाजवादी पार्टी गठबंधन से है। गठबंधन से जी जी, उनके लिए वाइफ लड़ रही है लवली शर्मा। लवली शर्मा जी जी। अब टक्कर तो उन दो में है, देखते हैं परसों चुनाव में देखते हैं किसको जिताते हैं। 13 तारीख को वोटिंग खुलेगी। 4 तारीख में वोटिंग है। 4 तारीख में वोटिंग है और 13 तारीख में वो पोलिंग खुलेंगी, देखते हैं कि कौन जीतता है। ये स्थिति जो है, ये जो स्थिति है, साफ सफाई का कोई मसला नहीं होता यहाँ? नहीं, जा बात करे, सुनो सुनो, 3-4 बार हमने नाला साफ कराया, फिर ऐसे ही हो गया। कौन है वे यहाँ तपे करने? कौन है वे शहर में, गांधी कॉलोनी में हाथ झाड़ू वाला मारे? हमारे गांव में देखो कौन है वे यहाँ थी प्रधान जी में, जो भी आवे ताला हर कोई वो दिखावे। हम भी बीजेपी को जिताएंगे, एक दफा हम बीजेपी को मौका देंगे, अगर बीजेपी जैसा गांधी कॉलोनी में करे ऐसा भी करेगी तो तमाम उम्र बीजेपी के साथ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर फिर बीजेपी को जिताने के बाद भी अगर ऐसा हल्ला तो फिर हम तो भाई फिर अल्लाह मालिक हमारा, तो फिर तो सब कुछ करने वाला वही है खुदा। चुनाव में फाइट किसको आपको नजर आ रही है? बीजेपी जीतगी। अरे सुन तो ले, बीजेपी जीत तो या कोई भी जीत तो हमें क्या मतलब है, हमें चाहिए हमारी सफाई। मतलब तो अंदर अंदर शहर में भी इस तरह की स्थिति है, गांधी कॉलोनी में सफाई नहीं है, वहाँ हिंदुओं के इलाका, यहाँ मुसलमानों का सफाई क्या है? मुसलमानों का जहाँ भी जाओगे जो भी बुरा हाल होगा। क्या नाम आपका? विजयकांत शर्मा जी। शर्मा जी, नगर निकाय चुनाव है आपके यहाँ, क्या दे रहे हैं चेयरमैनी चेहरा कौन सा होगा ऐसा? चेयरमैन चेहरा बराबर है, अच्छा, बराबर चल रहा है, कह नहीं सकते क्या कहीं होगा? कहीं लोग उम्मीदवार है कहीं अलग अलग पार्टियों से। एक कहावत है कि भाई जब ऊपर सरकार उनकी नीचे उनकी तो कार्य तो भी होंगे, अच्छा, थोड़ी सी वो बात है। लोग देख रहे हैं, लोग बात देख रहे हैं आगे भाई। अच्छा। जनता सुविधाएं कैसी है कस्बे शहर में? सुविधाएं कैसी है शहर में? सुविधाएं ठीक है, जैसे सफाई या पानी? हाँ नहीं, सभी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमन फारूक है। अमन फारूक भाई, चुनाव है आपके यहाँ, नगर पालिका चुनाव है, क्या लग रहा, किस चेहरे को देख रहे हैं आप तुम चेयरमैन के लिए? क्या बताओ अभी, ला क्या बता सके, अभी तो कुछ बता सकते। अच्छा, आप रिक्शा चलाते हैं आप, तो आपके शहर में क्या, आपके लिए क्या काम होने चाहिए, किस तरह की सुविधाएँ होनी चाहिए शहर में? बस सुविधा ये मानने बात है, रोड आते रोड बंद कर रखे उन्होंने, कुछ दिक्कतें होती है, बहुत दिक्कतें होती है, खुला मेन रोड खुला होना चाहिए, बसी रोड बंद है कोई दिक्कत नहीं इससे, लेकिन जो तो बाकी तो मेन खुले से होना चाहिए ना। तो ये बताइए चुनाव है जैसे, क्या माहौल बन रहा है शहर में? माहौल तो सही है जी, इसका लग रहा है कौन फाइट में रहेगा, टक्कर में रहेगा, बहुत सी पार्टियाँ भी चुनाव लड़ रही है जी, अभी तो कुछ पता नहीं है। चलिए आप तो रिक्शा चलाते हैं, आपके लिए किस तरह की सुविधाएँ हैं शहर में, सड़कें कैसी हैं आपके यहाँ? सड़कें सही हैं जी, देख लो आप, आपके सामने है। तो शहर के अंदर की सड़कें कैसी हैं? शहर के अंदर की तो टूटी पड़ी है, टूटी पड़ी हाँ। है। तो कुछ काम चेयरमैन का काम होता है सड़कें ठीक करने का जी, जी। तो उस तरह की अभी अंदर सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं, वो सुविधा नहीं है, जैसे हमारे मेरठ में हुआ, सहारनपुर में है, और बड़े शहरों में है, ऐसे हमारे मुजफ्फरनगर में नहीं। चलिए थोड़ा सा तो इशारा बताइए किधर पलटा भारी रहेगा मुजफ्फरनगर का? भाई ये तो चुनाव है, इसमें कुछ पता नहीं है, देखो हाँ जिसको ऊपर वाला वो चाहेगा वो हो जाएगा। शहर में ऐसी सुविधाएं हैं जो आम जनता को फायदा पहुंचाती हो, पीने का पानी या सड़कें या साफ सफाई, इस तरह की व्यवस्था है? सड़कों वगैरह पे तो निर्माण पूरा चल रहा है सरकार का, लेकिन ये पानी वगैरह की सुविधा थोड़ी और हो जाए तो अच्छी बात है। जैसे बरसात हुई अभी
उसके लिए पानी की बहुत समस्या है, पानी की रुकावट के लिए थोड़ा उसका समाधान सरकार करे, अच्छी बात है। हम मुजफ्फरनगर में थे और मुजफ्फरनगर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ये चौक है, अहिल्याबाई चौक है। आज हमने मुजफ्फरनगर में अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इस बार नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या स्थिति है मुजफ्फरनगर में। लोगों का कहना है कि गठबंधन और भाजपा को लेकर दोनों की टक्कर रहेगी, आपस की फाइट रहेगी और कई कई लोगों की अलग अलग राय अपने अपने उम्मीदवार को लेकर बन रही है। जुड़े रहे सीसीए से, उत्तर प्रदेश तक आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। Thank you.